It's obvious to the whole country there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Millions of people believe if you're rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. Speaker sir, It's obvious to the whole country that there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself. Right? I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. Aap prashn kya hai aapka? Aaram sir. सर ये मैं क्वेश्चन को सेटअप कर रहा हूं। प्रश्न पूछ रहा हूं। ये द इशू इज दैट देर आर मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस कंट्री हु आर एक्सट्रीमली कंसर्न्ड एट व्हाट इज गोइंग ऑन एंड हु आर कन्विंस्ड दैट द इंडियन एग्जामिनेशन सिस्टम इज ए फ्रॉड दैट इज व्हाट इज एट स्टेक हियर मिलियंस ऑफ पीपल बिलीव दैट इफ यू आर रिच If you're rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. And that is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? Yes. That's the first question. ओके क्वेश्चन में चल रहा है अभी प्लीज अब मैं मंत्री जी मैं एक बार बोल दूं इस बात पे चलो मंत्री जी आप शॉर्ट में जवाब दो फिर मैं बोल ही देता हूं आज आप शॉर्ट में जवाब देना प्लीज अध्यक्ष महोदय मेरे जो शिक्षा है मेरे जो संस्कार है मेरे जो सामाजिक जीवन है मेरे को मेरे राज्य की मेरे सूबे की जनता की स्वीकृति मिली है मैं किसी की मेरे बौद्धिक और मेरे संस्कार की सर्टिफिकेट मेरे को सारी सदन में किसी से नहीं चाहिए देश की प्रजातंत्र में चुन के मेरे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री की भूमिका दिया है मैं उनकी निर्णय से यहाँ उत्तर दे रहा हूँ सदन को बाकी ये कहना चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब साहब ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर मैं कठोर शब्द से उसको निंदा करता हूँ बाकी रहा मैं सर आपके माध्यम से देश के सामने सर एक तथ्य रखता हूँ सर जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है 2010 में 3 बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे उसमें से एक बिल था एजुकेशन उसमें एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010 जिसके उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना सर मेरे सरकार की हिम्मत है अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज में बिल लाए कानून बनाए क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की उन्होंने उस बिल को उठा किया किसके दबाव में उठा किए क्या निजी मेडिकल कॉलेज की दबाव में उनकी उनकी घुसखोरी की दबाव में उन्होंने उस बिल को उठा किया था सच सुनने की सामने है ये मैं किसी की विद्वत्ता में प्रश्न नहीं उठाता हूं लेकिन सच 2010 में शिक्षा सुधार की बिल उन्हीं की सरकार ने लाया था दबाव में उन्होंने उल्लेख किया ये हमको प्रश्न पूछते हैं ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಈ ದಿನ .com ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ